तू ही रब है, तू ही सब है, लेता हूँ मैं तुझ में पनाह, मुझको संभाल मेरे खुदा। जी हाँ, मुसीबतें हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन बाइबल कहती है दूसरा कुरिन्थियों उसके 4:17 में कि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अब्दी जलाल यानी अनंत महिमा पैदा करती जाती है। और अंग्रेजी में लिखा है, फॉर आर लाइट अफ्लिक्शन विच इज बट फॉर अ मोमेंट वर्केथ फॉर अस अ फार मोर एक्सीडिंग एंड इटर्नल वेट ऑफ ग्लोरी। एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था जिसको बाइबल भी बहुत अच्छी तरह से पढ़नी नहीं आती थी। किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारा बाइबल का सबसे फेवरेट वर्स क्या है, तो उसने कहा एंड इट केम टू पास, यानी ये भी गुजर जाएगा। जी हाँ, बाइबल में कम से कम 300 बार लिखा है एंड इट केम टू पास, यानी ये वक्त भी गुजर जाएगा। और ये गुजर गया, और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में आज की जो मुसीबत है ये भी एक दिन गुजर जाएगी। एक हफ्ता, दो हफ्ता, एक महीना, या हो सकता है कुछ और समय ये हमारे जीवन में रहे, लेकिन इसको गुजरना ही है, ये रहने के लिए नहीं आई है। इट हैजंट कम टू स्टे, इट विल कम टू पास। और ये सिंपल फेथ अगर आप अपने मन में रखें, परमेश्वर पर विश्वास करें और कहें प्रभु ये जो आज हल्का सा क्लेश है, जो तकलीफ है, ये मेरे जीवन में बड़ी महिमा को जगह बना रहा है, तो आप प्रभु में विश्वास करें क्योंकि यीशु आपको संभाल लेगा। गॉड ब्लेस यू।